स्वागत है आप सभी का हेल्पफुल डिस्कशन। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कटअप के बारे में। ओके, तो यहाँ पर मैं 2019 का बताने वाला हूँ, 2019 का 20 का, लेकिन जो है 2020 टू 21 में भी सेम कटअप लगभग कुछ का अंतर रहेगा। ओके, लेकिन सेम बाय सेम कटअप जो है जाएगा। ओके, तो सिंपली आपको यहाँ पर चेक करने के लिए मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो दे दूंगा, तेरा आप उस पर क्लिक करके इस पेज पा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे आपको नीचे कर लेना है। यहाँ पर नीचे करने के बाद हम देख सकते हैं फर्स्ट कटअप ऑफ 2019। ओके, यहाँ पर प्रेस रिलीज इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। चलिए, अगर आपको साइंस को चेक करना है फर्स्ट कटअप, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर मेरिट बेस्ड में फॉर्म भरना है या एंट्रेंस में। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान से देख लेना है कि कटअप जो है 2019 में कटअप जो है कितना तक गया है, उसी के अनुसार आपको यहाँ 2020 में जो है फॉर्म जो अभी अप्लाई स्टार्ट है, तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप करना है, एंट्रेंस बेस या फिर मेरिट बेस। ओके, अगर आपका परसेंटेज ज़्यादा है तो आप यहाँ पर मेरिट बेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, 75 एवं है, अगर आप 75 बिलो है तो आप जो है यहाँ पर एंट्रेंस बेस जो है चूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, यहाँ पर सिंपली आपको चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ कॉलेज, यहाँ पर कॉलेज का लिस्ट दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाता है, और यहाँ पर जो है आपको जैसे कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ बीएससी ऑनर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए जो है 96% गया है। ओके, जिसका 96% मार्क जो है ट्वेल्थ में है, उसी को यहाँ पर एडमिशन होगा। और भी जानकारी आप यहाँ से इसको जूम करके आपको यहाँ पर पढ़ लेना। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं इसका पूरा लिस्ट खुल के आ चुका है, तो इसको आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो। ओके, अगर आपको यहाँ पर आर्ट्स को चेक करना हो या फिर आप जिसको भी आपको चेक करना हो, यहाँ पर आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं बीए प्रोग्राम में चेक करना चाहता हूँ, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ कोर्स है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीए प्रोग्राम है। ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज है, जैसे कि आरबी की इकोनॉमी क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी देख सकते हैं, और यहाँ पर लास्ट पे आप देख सकते हैं इसका परसेंटेज कितना तक गया है। ओके, तो इसके अनुसार आप ये निर्णय ले पाएंगे कि आपको यहाँ पर जो है मेरिट बेस में एडमिशन लेना है या फिर एंट्रेंस बेस में। ओके, चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट कटअप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर सेकंड कटअप आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड कटअप 2019। यहाँ पर आप जो है साइंस को चेक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर आर्ट्स एंड कॉमर्स का चेक करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, या फिर बीए प्रोग्राम जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, तो इन सभी को आप चेक करना चाहते हैं तो ये जो है बीए प्रोग्राम पर आपको चेक करना है। ओके, चलिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे कि हंसराज कॉलेज है। ओके, यहाँ पर कोर्स देख सकते हैं बीकॉम ऑनर्स, और यहाँ पर केएम यानी कि जब ये जो है कश्मीर माइग्रेट। ओके, तो यहाँ पर जो है इसका गया है 87.5%। ओके, कटअप गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और भी कॉलेज है, जिसका आप यहाँ पर देख सकते हैं बीए ऑनर्स हिंदी के ओबीसी, यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी स्टूडेंट के लिए 81.5% गया है। ओके, जो कि सेकेंड कटअप की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, अगर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लक्ष्मीबाई कॉलेज है, जैसे कि ये हम देख सकते हैं बीए प्रोग्राम के लिए, ये जो है कश्मीर माइग्रेंट के लिए 92% जो है इसका जो है कटअप गया है। और भी कॉलेज यहाँ पर आप जो है आसानी से चेक कर सकते हैं। ओके, हम देख सकते हैं 75.5 जो है यहाँ पर जो है बिलो है। ओके, तो इतना तक हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी यहाँ पर चेक करने के लिए पूरी हिस्ट्री अब यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तो इस पर आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। ओके, चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड कटअप आपको इसी अनुसार आपको यहाँ पर देखना है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ कटअप यहाँ पर देख सकते हैं, फिफ्थ कटअप एंड ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड कट ऑफ लिस्ट 2019 फॉर NCWB, तो ये सभी के बेस्ट के अनुसार यहाँ पर निकलता है। फिफ्थ कट ऑफ देख सकते हैं। ओके, चलिए, यहाँ पर लास्ट कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि एट कट ऑफ ऑफ 2019। ओके, हम देख सकते हैं कि 2019 में जो है एट कट ऑफ यानी 8 कट ऑफ जब तक जो है जारी किया गया था, इस बार भी लगभग सेम प्रोसेस रहेगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर आप साइंस का चेक करना चाहते हो तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पर कॉलेज दिया गया है, यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है, और यहाँ पर परसेंटेज कितना परसेंट तक जो है ये जो है गया है। ओके, अगर एवरेज बात करें तो यहाँ पर मेरिट बेस में अगर आप एडमिशन चाहते हैं, जैसे कि बीए प्रोग्राम हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री के लिए आपको जो है 75 एवं होना चाहिए, तभी आप जो है इसमें डीयू में एडमिशन पा सकते हैं किसी भी कॉलेज के लिए।
अगर यहाँ पर साइंस जैसे कि मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है जैसे कि सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, जैसे कि जो बिहार बोर्ड का यूपी बोर्ड का रहता है तो उसका थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपको यहाँ पर मेरिट बेस्ड के अनुसार आपको एडमिशन लेना है या फिर इंटरेस्ट बेस्ड के अनुसार। ओके, तो दोनों पर वीडियो बन चुका है, मेरिट बेस्ड से आप कैसे आप एडमिशन अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, एंट्रेंस बेस्ड पर आप अप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ओके, तो आप आपको वीडियो देख के जो है स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल कर लेना है। ओके, डिसाइड आपको ये करना है कि आपका परसेंटेज कितना है। ओके, और आपको क्या एडमिशन के लिए आपको यहाँ पर एंट्रेंस बेस में एडमिशन चाहिए या फिर मेरिट बेस में। ओके, चलिए तो इस अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इस तरह से आपको चेक करना है 2019 का कटअप। ओके, और उसी के अनुसार आपको डिसाइड करना है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताना था। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो कीजिए लाइक और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे। थैंक यू फ्रेंड्स।